हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल ज्ञान अलर्ट। दोस्तों, आज मैं आपके सामने RACIIT के महत्वपूर्ण विषय का भाग नंबर 5 रखने जा रहा हूं। बाकी के भाग का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, आज के कंटेंट्स हैं कॉटना, स्क्रीन कास्ट, स्क्रीन फिल्टर, स्नैप असिस्ट, इजी ऑफ एक्सेस सेंटर। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने जा रहा हूँ। तो आप मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें और मेरे वीडियो को दोस्तों जरूर से लाइक भी कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियो लाता रहूँ। हाँ तो फ्रेंड, सबसे पहला आता है कॉटना। तो कॉटना आपका एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दे रखा है, हाई आई एम कॉटना। तो कॉटना आपका एक सर्चिंग में काम आता है। जैसे अगर आपको कंप्यूटर के ऊपर कोई भी चीज अपनी रखी हुई है, आपको ढूंढना है, तो एज ए यह काम करता है। अगर आप इसके अंदर कुछ भी टाइप पे सर्च या अगर कुछ भी आप इसमें लिखते हैं या फिर आप कुछ भी स्पीक करते हैं बाय वॉइस या फिर माइक्रोफोन या हेडफोन के जरिए, अगर आप कुछ भी चीज़ इसको बोलते हैं तो वह इसका रिप्लाई करता है, वह आपका रिस्पॉन्स देता है। अगर आपको कुछ भी फाइंड को ढूंढना हो, कुछ भी करना हो, तो वह आपका ये कर देता है। इसका यूज आपका विंडोज 10 के अंदर दिया गया है, जो कि विंडोज 10 की यह नई टेक्नोलॉजी है। तो कॉटना आपको समझना है कि जो कॉटना होता है वो खाली क्या होता है, आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, और यह टेक्नोलॉजी आपके विंडोज 10 के अंदर दी गई है। ना तो फ्रेंड्स, अब आता है स्क्रीन कास्ट। तो स्क्रीन कास्ट ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मीरा कास्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इस टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को एज ए रिमोटली कहीं पर भी चला सकते हैं, और यह वायरलेस तरीके से चला सकते हैं। मतलब आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को किसी भी दूसरी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर सकते हैं आसानी से। तो यह जो ऑप्शंस आता है आपका, वह एक्शन सेंटर के अंदर आता है। तो आप पिक्चर में देख लीजिए कि इसमें येलो कलर का एरो दे रखा है, जो कि आपका कनेक्ट ऑप्शन है, जो कि आप अपनी स्क्रीन को आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो ये विंडोज 10 के अंदर लाया गया एक नया फीचर है। और तो फ्रेंड्स, अब आता है स्क्रीन फिल्टर। स्क्रीन फिल्टर का काम स्मार्ट स्क्रीन ऑनलाइन सर्विस होता है। ये स्मार्ट स्क्रीन ऑनलाइन सर्विस का मतलब यह होता है कि यह आपका जो भी रन होता है, मतलब इसके अंदर जो भी ये सर्विस प्रोवाइड कराता है, वह ऑनलाइन होती है। मतलब यह आपका एक ब्राउज़र सपोर्ट करता है, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र, जो कि विंडोज 10 का बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। इसमें आप मेलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर फिशिंग वेबसाइट, इसका मतलब यानी अगर आप कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हैं या फिर डाउनलोड कर रहे हैं, तो वह आपको बताता है कि आप सेफ हैं या फिर नहीं है। इसका मतलब यह आपको ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है कि आप जो भी चीज़ सर्च कर रहे हैं वह सही है या फिर नहीं है। अगर सही नहीं होता है तो ये आपको इंडिकेशन दे देता है, या फिर वह चीज़ को यह खोलता ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्रीन फिल्टर का काम सिक्योरिटी से काम होता है, जो कि आपका एक ब्राउज़र के ऊपर चलता है, जो कि एक ऑनलाइन सर्विस है, जो कि आपको क्या होता है, मैलिशियस और फिशिंग वेबसाइट के हमले से बचाता है। तो फ्रेंड्स, अब आता है स्नैप असिस्ट। स्नैप असिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर के ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स, फाइल या फिर कुछ भी, अगर आपने जो कुछ भी खोल रखा है, उन सभी को यह एक स्क्रीन के ऊपर शो करा देता है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि आपके सामने कुछ 7 डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल रखे हैं, जो कि आपके एक डिस्प्ले के ऊपर आ रहे हैं। तो यह कहलाता है आपका स्नैप असिस्ट। तो फ्रेंड्स, अब आता है इजी ऑफ एक्सेस सेंटर। इजी ऑफ एक्सेस सेंटर का मतलब ये होता है, इस ऑप्शंस के अंतर्गत आप कुछ सेटिंग्स में अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जो कि सबसे पहले दे रखा हार्डवेयर सिस्टम। यह आपकी ओनली हार्डवेयर सिस्टम के अंदर आपको कुछ भी चेंजेस करना हो तो ये सभी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आपको नरेट एंड मैग्नीफायर, सबसे पहला आता है नरेटर एंड मैग्नीफायर। तो नरेटर का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि नरेटर को अगर ओपन करेंगे तो यह आपको, जैसे आपके डिस्प्ले के ऊपर अगर कोई भी टेक्स्ट या फिर कुछ भी चीज़ लिखी होगी, तो वह उसको वॉइस से बोल के आपको इंडिकेशन देता है। जैसे कि आपको सेकंड पिक्चर के अंदर दिख रहा है कि वेलकम टू नरेटर, जनरल नेविगेशन, वॉइस कमांड्स, यूज़र गाइड। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको, अगर आप नरेटर ऑप्शंस को चूज़ करते हैं, तो यह आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आपको कीबोर्ड एंड माउस की सेटिंग करनी है
तो भी आप इजी ऑफ एक्सेस सेंटर ऑप्शंस के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की। अगर आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाना हो या इसके अंदर कुछ भी सेटिंग चेंज करनी हो या फिर कॉन्ट्रास्ट बढ़ानी हो तो वह सभी विकल्प किसके अंदर आते हैं, आपके इजी ऑफ एक्सेस सेंटर के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है इजी ऑफ एक्सेस सेंटर के अंदर इन सभी हार्डवेयर की सेटिंग को चेंज किया जा सकता है। हाँ तो फ्रेंड्स, नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान अलर्ट को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी दीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि मैं आपके लिए कोई भी नया वीडियो लाऊं तो आपको उसका जल्द से जल्द अपडेट मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।